नवी मुंबई में अब तक कई सैकड़ों गाड़ियों के शीशे तोड़कर चोरों ने कार में रखे गए कीमती सामानों को गायब किया था। इसी कड़ी में एक और चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर फरार हो गए। पीड़ित व्यक्ति ने अपने आप को लूटने की शिकायत खारघर पुलिस थाने में दर्ज करवा दी, लेकिन तब तक चोर पुलिस की पकड़ से कोसों दूर निकल चुका था। स्पार्क गाड़ी के शीशे तोड़कर चोरों ने डैशबोर्ड को खोल दिया, उसमें रखे गए 80,000 रुपए चोर चुरा कर भाग गए। गनीमत ये थी कि कार में और कोई कीमती सामान मौजूद नहीं था। इसी विषय पर पीड़ित व्यक्ति से हमारे प्रतिनिधि ने बात की। चोरी यहाँ से हुए खारघर से, सेक्टर अपना साई कृपा केबल नेटवर्क, साई पूजा होटल है ना, उसके सामने से। मैं दोस्त था, उसको मिलने के लिए गया था, तो खाली 10 मिनट के लिए मैं गाड़ी छोड़ के गया था वहाँ से, 10 मिनट के लिए गाड़ी छोड़ के गया था। उसके बाद गाड़ी आके देखा तो गाड़ी का एक साइड का कांच टूटा था और उसमें से सब पैसा चोरी करके लेके गए थे। मेरे डॉक्यूमेंट वगैरह वो सब वहाँ पे जगह पे थे, बाकी सब पैसा तो वहाँ से निकल गया। फिलहाल मामले की शिकायत खारघर पुलिस थाने में दर्ज करवा दी गई है। ऐसे में देखना होगा चोर पुलिस की गिरफ्त में कब आता है। वैसे इससे पहले भी दर्जनों चोरी की वारदात हो चुके हैं, लेकिन चोरों का सुराग खारघर पुलिस अब तक नहीं लगा पाई। फिलहाल आम आदमी हो या खास, हम उसे यही कहना चाहेंगे कि सब्र के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। कर्नाला टीवी के लिए खारघर से गोपाल शाह की रिपोर्ट।